इसको मिल चुके हुए कि ये हमारे पास क्या है और टू है और ये आपके साथ है वन और ये आपके साथ है थ्री। सही है, अब हमने इसकी शेयर फैक्टर फाइंड आउट करनी है ना। तो ये लेंथ क्या है, लेंथ इसकी जो है वो हमारे पास क्या है 6 मीटर है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 4 मीटर है, इसकी लेंथ है 4 मीटर और 6 मीटर है। आपके पास फाइंड करने वाले कितनी है 30। अब देखो, अब हमें शेप फैक्टर 4 to 3 फाइंड आउट करना है। सही है, और मतलब ये आपका 1 है, 1 का 3 पे कितना होगा पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड है जो कि हमारे पास एक सर्कल भी उसमें आ रहा हो और उसको हम फाइंड आउट कर ले? नहीं कर सकते इस तरह। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, इसकी बजाय हम एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे। सही है, ये मैंने क्या कर लिया, इसके बजाय मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर ली। सही है, और इसको मैंने नाम ले लिया क्या, इसको मैंने नाम दिया 4। तो ऑलरेडी हमारे पास ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, इसको 6 कह रहे हैं। इसकी लेंथ में फाइंड आउट कर सकता हूं, जो ये जो मैंने लाइन ड्रा कर ली है इसी इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूं। ट्रायंगल ये 4 5 और 6। तो देखो ये में क्या है, देखो ये साथ है, ये इस तरह है ना, तो मतलब ये हमारे पास जब वो आ जाएगा एट विल इक्वल टू 10² प्लस 10² और माइनस 2 × 10 और 10 × cos of 30°। तो यहाँ से आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी। सही है, इस चीज की लेंथ होगी ये आपके साथ जो रेड लाइन जो मैंने लगाई है, इस रेड लाइन की। ये हमारे पास ये देखो ये लाइन तो हमारे पास कंसीडर हो गई है ना। अब हमने 1 से 3 तक फाइंड आउट करना है, 1 से 3 तक। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूँ ना, तो 1 से अगर इस ट्रायंगल को मैं कंसीडर करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास 2 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है। तो मतलब 1 से बहुत ज़्यादा बहुत उसकी तरफ जा रहा है। तो क्यों ना मैं इस ट्रायंगल को एक और लाइन लगा लेता हूँ। मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे भी एक लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे लाइन लगा लिया तो मतलब इन रेस को मैंने बाउंड कर दिया, वो उस साइड पे नहीं जा रही। तो मतलब मेरे साथ क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। अब जो यहाँ से आपके साथ 1 से इस लाइन पे आ रही है वो आपके साथ कहाँ पे जाएगी, वही आपके साथ 3 पे जाएगी। दैट मीन्स कि हम वो फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मुझे ये लाइन चाहिए कि इस लाइन की लेंथ आपके साथ क्या है, इस लाइन की लेंथ क्या होगी। तो इस लाइन की लेंथ में कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये मेरे पास क्या है 30° है। देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास इस तरह से वो बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ के साथ है 10 मीटर, यहाँ के साथ है 4 मीटर, यहाँ पे आपके पास है 30°। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा इसकी लेंथ 6.83 मीटर। स्टिल कोई सही है, हो गया। ये एंगल किस तरह, ये 30 डिग्री क्या होना चाहिए, 30° नहीं ना, एंगल तो वही है ना। देखो मैंने ये वाली एंगल कंसिडर कर ली, ये वाली। तो अगर मैं ये वाली एंगल कंसिडर कर लूँ तो यहाँ पे हमारे पास एंगल चेंज होगा। देखो मेरे पास ये लाइन भी फाइंड आउट हो गई और ये लाइन भी फाइंड आउट हो गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपनी जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल लेता हूँ। देखो ये और ये, इन दोनों को मैंने ले लिया, ये मेरे पास दोनों लाइन मेरे पास नोन है ना। इस लाइन की कितनी लेंथ है 6.83 मीटर। सही है, और साथ में आपके साथ क्या है 5.17, और ये आपके साथ क्या है, ये आपके साथ है 5.17 मीटर। और साथ में ये लाइन भी मुझे नोन है, वो मेरे पास क्या है 6 मीटर है। तो 3 सरफेस एनक्लोजर बन गया है। जब आपके साथ 3 सरफेस एनक्लोजर बन गया है तो आप इस टेबल को ले लोगे, 3 सरफेस एनक्लोजर वाली 2D ज्योमेट्री में 3 सरफेस एनक्लोजर वाली फार्मूले को यूज कर लोगे।
ये मेरे पास टेबल है जिसमें हमारे पास क्या है थ्री सरफेस एनक्लोजर, ये वाली जो टेबल है इस टेबल को आप यूज कर लोगे। सही है, इस टेबल में आप क्या कर लोगे आई और जे, मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक एफ वन टू, और प्लस डब्ल्यू जे जो कि मेरे पास है 5.17 और माइनस डब्ल्यू के जो कि मेरे पास है 6.83 और डिवाइडेड बाय 2 एक डब्ल्यू आई जो कि मेरे पास है 6, तो यहाँ से आपके पास एफ 1.26 और एफ 1.23 आपके लिए यहाँ से आ जाएगा और 1.6। मतलब एक चीज़ मेरे पास आ गई है, सर ने जो मांगा था ना क्वेश्चन में वो एफ 1.3 और एफ 3.3 मांगा था, लेकिन मैं सब को क्लियर करके हम सब को क्लियर करेंगे। सही है, अच्छा ये तो हमारे पास आ गया है F13। अच्छा अब हम ये F13 हमारे पास आ गया है ना, अब F13 के बाद अब ये तो कि जो 1 से 3 पे जाएगी वही 2 से भी 3 पे जाएगी ना, क्योंकि उसका दोनों ऑप्शन क्या है सिमेट्री में, तो इट मींस कि F13 विल बी इक्वल टू F23। बिल्कुल बिल्कुल सही, समझ रहे हो? ठीक समझ रहे हो, समझ रहे हो? देखो यहाँ से आपके पास क्या, पहली बात तो ये है कि आपके साथ ए साइमेट्री है, मतलब हम यहाँ से क्योंकि 30 डिग्री है और आपके साथ एक रेडियस पे आर्क लगा है ना, रेडियस पे आर्क, तो अगर आप इसको परपेंडिकुलर लाए मतलब यहाँ पे आप इसको लाइन लगाओगे ना इन दोनों को, तो आपके पास वो कांसेप्ट रहेगा एक, तो हमारे पास ये चीज़ है। लेकिन अगर आप साइमेट्री पे नहीं समझ रहे हो कैसे किस तरह साइमेट्री है, तो आप इस तरह फाइंड आउट करो जिस तरह मैंने क्या किया था, मैंने ये चीज़ फाइंड आउट की थी ना। सही है, आप इस तरह कर लो, इस लाइन को ना लगाओ, मैं ये इस लाइन को नहीं लगाता हूँ, इस लाइन को लगाता हूँ। सही है, तो ये लाइन में फाइंड आउट कर लूंगा, ये मेरे पास आ जाएगी 6.83, ये मेरे पास है 6 मीटर, ये मेरे पास है 5.17। मैं F2 to 3 फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगी WOI, ये मेरे पास आ जाएगी WOJ और ये आपके साथ हो जाएगी WOK। इस बात को समझ रहे हो, जिस सर्फेस से आप फाइंड आउट करना चाहते हो ना उसको आप कह दोगे WOI, जिस सरफेस पे फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको आप कह दोगे WOJ और तीसरे ऑटोमेटिकली WOK बन जाएगी। जिस तरह दूसरे में मैंने क्या किया था इसको WOI किया था, क्योंकि मैंने F1 से F6 फाइंड आउट करना था, यहाँ पे मैं F2 से F6 फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह आएगी। तो देखो वो कहाँ तरह यानी ये 600 आपके साथ ये 5.17 तो यहाँ से भी आपके साथ वही आंसर आएगी, तो इट मीन्स की F13 विल बी इक्वल टू F23। बिल्कुल सही है, तो ये मेरे पास मतलब एक दो से फैक्टर मेरे पास आ गया है कि F12 और F13 मेरे पास आ गया है। अब मुझे F33 फाइंड आउट करना है, F1 वाले सर्विस में क्या होगा दनिया हिलाल कितना होगा F11 0 होगा। H will be equal to 1, summation rule की जितनी भी आपके साथ एक row में होंगे उन सब को हम क्या करेंगे plus करेंगे, तो ये तो मेरे पास सही है। अच्छा F31 मेरे पास है, सही है, वो मैंने F43 मैंने calculate किया है, तो वहाँ से मैं F31 calculate करता हूँ by the reciprocity rule। F32 भी मेरे पास है, ये मेरे पास है, अब ये दो चीज़ें मेरे पास नहीं है, F35 और F33 मेरे पास नहीं है, मुझे F33 calculate करना है। तो देखो जिस तरह हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे आपके पास 2 से इस साइड पे आएगा, तो ये हमारे पास केस सिमेट्री है ना, वो तो हमने वो वहाँ पे लिख लिया, तो सिमिलरली केस क्या मतलब यहाँ पे जो आएगी वो आपके साथ ये दोनों साथ क्या होगी इक्वल होगी ना, इट मीन कि इन दोनों को हम एक लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा कि F31 plus F32 plus F33 plus 2 into F34 इट विल बी इक्वल टू 1। अब मुझे F3 to 4 फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 to 6 अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास 4 to 3 आ जाएगा ना, और फिर वहां से मैं फिर 3 to 4 कैलकुलेट कर सकता हूँ। सही दशा भी अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि देखो 4 to 3 में अगर आज उसको कंसिडर करता हूँ ना, तो ये फिर बहुत बड़ा बन जाता है। अगर मैं इस तरह कर लूँ कि यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, ये मेरे पास 4 है ना, ये मेरे पास है 4, यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ पे
ये तो मुझे नॉन एक्स 6.83 है। अब ये बताओ कि जो फोर से निकलेगी फोर से वो कहाँ पे जाएगी? वो कैसे 2 5 4 2 5 4 39 क्या? देखो जो आपके पास फोर से निकलेगी मतलब जो 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 यहाँ पे आती है यहाँ पे तो वो आपके साथ यहाँ से F2 पे आ सकती है मतलब नहीं जो ये क्रॉस करती है ये रेडिएशन है जो ये क्रॉस करती है वो फिर कहाँ पे आएगी मतलब F4 जो इस पे आएगी वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ उसके साथ थ्री टर्म ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ देखो जो आपके साथ मोस्ट पॉसिबल केस है ना वो ये कि ये मतलब यहाँ पे आए ना इसके अलावा तो कोई केस नहीं हो सकता। तो इस केस में भी अक्सर देखो अगर मैं ये लाइन न कंसिडर करूँ तो मतलब ये क्या जाएगा यहाँ पे जाएगा। सिमिलरली आप जहाँ पे भी आप कंसिडर करते हो तो आप यहाँ से यहाँ जाएगा तो इट मीन के जो रेज यहाँ पे टच कर रही है वो अक्सर क्या कर रही है डायरेक्ट सिक्स पे जा रही है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये फोर कैलकुलेट करना है। फोर टू दिस लाइन कैलकुलेट हो जाएगा तो मेरे पास F4 टू 3 कैलकुलेट हो जाएगा। कौन सी यही सर इस पे तो लगेगी देखो मेरे पास जो मतलब पर मैंने ये कंसिडर किया है ना ये कंसिडर किया ये तो देखो इसकी जो सत फोर है ना F4 पे लगेगी इस पे भी लगेगी और इस पे लगेगी। मैं ये कर रहा हूँ कि जो आपके साथ ये वाला अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ जो रेज इस पे लग रही है सिर्फ और सिर्फ इस वाले रेज वो आपके साथ इस पे लगेगी तो हम इस तरफ ये ज़ूम कर रहे हैं और वो तो हमारे पास है कि उसके साथ कोई और ऑप्शन नहीं है या पहले कोई एयर इस तरह है नीचे तो वो आ नहीं सकती सिर्फ और सिर्फ उसके साथ एक फ्री ऑप्शन है तो वो हमारे पास वहाँ पे जाएगी। सही है तो मीन कि हम ये अगर कर ले तो ये हमारे साथ यहाँ से आ जाएगी तो ओके और ये हम कर सकते हैं। देखो ये मेरे पास है इस तरह लाइन है ये मेरे पास है 6.83 है। सही है ये मेरे पास है 4 मीटर है और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। सही है ओके अब मैं क्या कर सकता हूँ देखो मैं क्या करना चाहता हूँ इस रेस का जो कि हमारे पास 4 है ना 4 का इस पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि 4 3 के बराबर होगा ना तो मतलब मैं 4 3 कैलकुलेट करना चाहता हूँ F4 टू 3 क्योंकि जो हमारे पास 3 डैश पे आएगी वही रेस 3 पे भी जाएगी। सही है और ये साथ क्या है ये साथ 4 है तो ये सब दूसरा बन जाएगा। अच्छा अब मैं F4 टू 3 डैश फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो इसको क्या कहूंगा आई इसको आई कह दोगे ये साथ आ जाएगा डब्ल्यू आई ये क्या हो जाएगा ये साथ हो जाएगा डब्ल्यू जे और दूसरा ये मेरे पास हो जाएगा कि 4 मीटर और प्लस 6.83 सही और माइनस और डब्ल्यू और के जो कि हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय 2 n2 अक्सर के 4 मीटर तो ऐसे आपके पास एक आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा जो हमारे पास F4 टू 3 डैश है इट विल बी इक्वल टू F4 टू 3 F4 टू 3 डैश के मतलब है कि जो 4 से निकलती है और 3 डैश पे जो पड़ती है वही रहे आपके साथ 4 से वही रहे आपके साथ 3 पे भी पड़ेगी क्योंकि उसके लिए कोई आवर रेज नहीं है कि वो आवर रेज पे जा सके तो मतलब ये आपके साथ क्या होंगे इक्वल होंगे तो इसलिए हमने ये दोनों कंसीडर वो इक्वल कर लिए। अच्छा अब हमारे पास देखो यहाँ पे मैंने आपको वो प्रूफ करके दिया कि ये अगर हम इस लाइन को कंसीडर कर ले तो ये मेरे साथ 6.83 आ रही थी और आपके साथ सेम आ रही थी तो मतलब सिमेट्री आ रही थी क्योंकि आपके साथ हमारे पास 30 डिग्री है और रेडियस है तो आपके साथ मतलब इसकी सिमेट्री आप जब भी आप देखोगे यहाँ पे उसके साथ सिमेट्री होगी और ये भी हमारे पास 4 मीटर है ये भी हमारे पास 4 मीटर तो मतलब दोनों आपके साथ सेम है तो इसलिए दोनों के साथ जो रेज होगी वो आपके साथ सेम है। सही है चीजें आ गई है लेकिन उलट चीजें भी आई है। देखो मेरे पास क्या है F1 3 मेरे पास है और F2 3 मेरे पास है और साथ में हमारे पास क्या है F4 3 मेरे पास है। ये चीजें मेरे पास है लेकिन वो मुझे दूसरी तरीके से मेरे फॉर एग्जाम्पल F3 1 कैलकुलेट करना है तो F3 1 किसके बराबर होगा F3 1 आपके साथ बराबर होगा और A1 L2 F1 3 डिवाइडेड बाई A3 F2 3 मैंने F3 2 मैंने कैलकुलेट करना है तो मेरे पास क्या होगा और A2 N2 F2 3 डिवाइडेड बाई A3 सही है और सिमिलरली मैंने F3 4 कैलकुलेट करना है तो मेरे पास क्या होगा 3 4 will be equal to A4 N2 F4 3 divided by A3. अब मेरे पास A3 नहीं है A3 में किस तरह का प्रयोग करूँगा? Good question. देखो ये मेरे पास क्या है ये मेरे पास एक आर्क है
और आर की लेंथ किस किस चीज के बराबर होती है? एल इज इक्वल टू आर इज टू थीटा, सही है। रेडियस मेरे पास दिया है, रेडियस मेरे पास क्या है 10 मीटर दिया है ना, तो रेडियस इज इक्वल टू 10 मीटर। और साथ में थीटा के साथ दिया है, थीटा मेरा क्या है 30 डिग्री है, लेकिन ये डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे। तो अगर आप रेडियन में इसको कन्वर्ट कर लोगे तो ये आपके साथ होता है पाई डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, तो मतलब ये मैं यहाँ पे पुट करके वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो आपके पास जो F31 है वो आपके साथ आएगी और 0.414 है। अच्छा, अब ये मेरे पास सब फार्मूले आ गए, तो मतलब अगर मेरे पास सब फ्रैक्शन आ गए तो यहाँ पे मैं यूज करके ये वाली फार्मूला यूज करके F33 क्योंकि हमारे पास वो उस तरफ कितना एक्सटेंड है वो हमें पता नहीं है, तो एकदम इस तरह लिख लिया है। सिमिलरली आपके पास क्या है A2, तो A2 मेरे पास क्या है 6 मीटर है, वो भी हमारे पास आपके साथ 6 मीटर है, तो वो भी आपके पास हो जाएगी 6W। A3 जो आपके पास हो जाएगी वो आपके साथ A3 मेरे पास कितनी है 5.3 मेरे पास है 5.2 3 6 और मल्टीप्लाईड बाय W। समझ गए।